खबर शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत माधव चौक चौराहे पर स्थित गांधी आश्रम के सामने से है। हम आपको बता दें कि एक युवक ने बैंक ऑफ इंडिया से 1,40,000 रुपए निकालकर अपनी गाड़ी में रख लिए थे, जिसके बाद उसने गांधी आश्रम के सामने गाड़ी खड़ी की थी और जैसे ही वह गाड़ी में बैठा तो एक युवक ने इशारा किया कि पीछे कुछ डला हुआ है। जैसे ही मुकेश रावत अपनी गाड़ी को बिना लॉक किए गाड़ी के पीछे गया तो दूसरा युवक आगे की डिग्गी में रखे 1,40,000 और बैंक की पासबुक ATM सहित लेकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक मुकेश रावत निवासी विनेगा बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए आया था और गांधी आश्रम के सामने उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी थी। जैसे ही वो बैंक ऑफ इंडिया से 1,40,000 रुपए निकाल कर आए और गाड़ी की डिग्गी में रखे तभी एक युवक ने उनको गाड़ी के पीछे की तरफ इशारा किया। जैसे ही मुकेश रावत गाड़ी से उतर कर पीछे गए तभी दूसरे युवक ने आगे की डिग्गी में रखे बैग को उठाकर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही मुकेश रावत वापस गाड़ी की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि डिग्गी खुली हुई है। घटना CCTV में कैमरे में कैद हो गई है। वहीं आसपास की गलियों में भी CCTV में दोनों आरोपी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं पैसे जिस बैग में रखे थे वो खाली बैग पुलिस को मिल गया है। घटना के क्रम ये मैं बैंक ऑफ इंडिया से 1,40,000 रुपये निकाल के वो गांधी आश्रम के आगे मैं गाड़ी रख के गया था। बस आगे आगे उसमें आगे वाले बॉक्स में मैंने पैसे रखे और बस मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था। इतने में एक बंदे ने इशारा किया कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ है, तो मैं गाड़ी से उतर के गाड़ी को ना लॉक करते हुए पीछे गया। मुझको उसमें पेंट डला देखा, पेंट डला देखा तो मैं उसको पेंट को पहुंचने लगा और जैसे ही मैंने पेंट पहुंच के वो मैं गाड़ी पे गया जब तक डिग्गी निकली थी और थैला गायब था पैसों का। उसमें मेरी 4 किताबें थी, ATM, पैन कार्ड सब था उसमें, मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। नेक्जोन गाड़ी थी, न्यू कलर नेक्जोन कलर की गाड़ी थी। आप अकेले थी? नहीं, मेरा बच्चा था साथ में 12-13 साल का। वो कहाँ था? वो मेरे पीछे वो भी कलर साफ करवाने लगा। अच्छा, और वो लोग कितने ऑयल की क्या दी थी क्या आपसे कि ऑयल डाला? उसने खाली इशारा किया ऐसे कि मैंने ये समझा कि गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है पीछे कुछ खड़ा हो, तो मैं उतर के उस चक्कर में गया कि मैंने कछुए हटा के फिर गाड़ी बैक कर लूँ। फिर वो जब तक वो कलर डला था मैं अपना एक कपड़ा लेके कलर को ऐसे ऐसे पहुँचने लगा। बेटे का नाम दिव्रत। वो बोलो कितने थे? दो लोग थे, एक ने कलर बताया मुझे, एक ने इशारा किया और दूसरे ने डिग्गी निकाल के और पैसे का थैला उठा के वो भाग गए। अच्छा, पहले से मतलब गेट पर खड़ा हो गया होगा एक लड़का और एक, जब तक आप इधर? उनकी प्रक्रिया क्या है वो इतना मैंने दिमाग में नहीं लगाया। दर्ज करा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट डाल दी है कोतवाली थाने में, रिपोर्ट डाल दी। क्या नाम है आपका? मुकेश रावत। कहाँ से हो? बिनेगा से। ये बिनेगा के एक रावत जी हैं, मुकेश रावत जी। ये अपने बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,40,000 रुपये निकाल के अपनी कार में उन्होंने रखे थे। तब तक किसी अज्ञात एक लड़के ने आगे ये कहा कि आपकी गाड़ी पे कोई ने ऑयल पेंट फेंक दिया है, ये निकल के आए और उसको देखने लगे। इसी बीच में दूसरा लड़का जो है वो पैसे का बैग लेके भाग गया। हम लोगों ने कैमरों में उनको चेक किया है और उसको ट्रैक कर रहे हैं और पता रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ क्या सामान वगैरह उनका कुछ मिल पाया है? एक वो जिस लाल रंग का जो बैग था उसमें जो पैसे रखे थे तो वो बैग मिल गया है। ट्रैक करते हुए आ रहे हम कैमरों को, तो चेक करते हुए आए तो बैग मिला है भी, लेकिन पैसे नहीं मिले। हम देख रहे हैं वो किस तरह भागे हैं और कौन है। CCTV फुटेज में पहचान हो पाई? अभी कंट्रोल रूम के कैमरे भी हम चेक करवा रहे हैं, अभी पहचान नहीं हो पाई।